अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज आपके खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा 5 मरले पर मुश्तमिल ब्रांड न्यू एक मॉडर्न डिज़ाइन में बना हुआ बहुत ही खूबसूरत और शानदार घर, जिसकी लोकेशन DHA फेज़ 9 टाउन लाहौर है। ये जी आप घर का फ्रंट एलिवेशन देख रहे हैं, जिसके ऊपर रॉक वॉल और टाइल वॉल के साथ बहुत ही खूबसूरत अंदाज से काम किया गया है। और 5 मरले में इस तरह के खूबसूरत घर आपने बहुत ही कम देखे होंगे। और इस प्लॉट की जो डायमेंशंस हैं वो 25 फीट बाई 45 फीट है, 25 फीट इस प्लॉट का फ्रंट है और इसी तरीके से 45 फीट इस प्लॉट की लंबाई है। और आज की इस वीडियो में आपके सामने घर की मुकम्मल डायमेंशंस भी आती रहेंगी, ताकि आपको घर का नक्शा, फ्लोर प्लेन समझने में इंतहाई आसानी हो। और अगर आप इसी डिज़ाइन के ऊपर अपने लिए घर तैयार करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन और फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। इसलिए आप हज़रात से गुजारिश है कि वीडियो में आखिर तक साथ रहिएगा, ताकि आपके सामने वीडियो में सारी डिटेल्स बरवक़्त आती रहें। घर की लोकेशन, घर के प्राइस, घर का खूबसूरत डिज़ाइन और कॉन्टैक्ट नंबर। इस घर की अकोमोडेशन की बात करते चलें तो इसमें आपको टोटल 3 मास्टर बेडरूम्स मिल जाते हैं और इसी तरीके से 1 किचन, 2 टीवी लॉन्च और गैराज मिल जाता है। और इस घर में टोटल A+ क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया है। और जिनके भी नसीब में ये घर हो, अल्लाह ताला उनके लिए बाइस रहमत, बाइस राहत, बाइस इज्जत और बाइस बरकत बनाए। ये जी आप ऊपर रूफ टॉप पे देख सकते हैं, टोटली तौर पर यहाँ पे टाइल्स का काम किया गया है और ऊपर आप बेहतरीन सीटिंग भी कर सकते हैं। और ये जी घर के बाहर आप देख सकते हैं एक्सटर्नल लॉन और ये जी कार रैम, और दूसरी साइड पे भी आपको एक्सटर्नल लॉन मिल जाता है, जो कि घर की खूबसूरती में काफी इजाफे का बायस बनती है। तो आइए जी आपको घर के अंदर लिए चलते हैं। ये जी इसका गैराज है, जिसमें एक बड़ी गाड़ी आप बिल्कुल आसानी के साथ खड़ी कर सकते हैं। गैराज की डायमेंशंस 11.3 फीट बाई 12 फीट इस गैराज की डायमेंशंस हैं, जिसमें एक बड़ी गाड़ी आसानी के साथ खड़ी हो सकती है। गैराज में ये राइट साइड पे आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल ग्रास और टाइल्स के साथ खूबसूरत काम किया गया है। बिल्कुल सामने साइड गली जो कि 3 फीट की है। और ये जी घर की एंट्रेंस। तो आइए जी आपको घर के अंदर लिए चलते हैं। अंदर ये इस साइड पे जी ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां, किचन, बेडरूम, एसिडी पॉइंट और इसी तरीके से बिल्कुल सामने खूबसूरत वॉल डिजाइन, जहां पे आपको फायरप्लेस भी मिल जाता है। और इसी तरीके से ये इस साइड पे जी विंडो। ये जी आपको दूसरी साइड से दिखाते चले, ये एसिडी पॉइंट और इसी तरीके से बेडरूम, बिल्कुल सामने जी किचन, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां, पाउडर रूम और ये इस साइड पे जी सिटिंग एरिया। आपको टीवी लॉन्च और ड्राइंग की डायमेंशंस बताते चलें, 11.6 फीट बाई 22.6 फीट इसकी डायमेंशंस हैं। और ये जी नीचे टाइल वर्क 2 फुट 4 फुट टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। और इसी तरीके से ये ऊपर सीलिंग डिजाइन फानूस के साथ। ये जी आपको ड्राइंग रूम का फुल व्यू दिखाते चलें। ये जी फायर प्लेस। ये जी LCD पॉइंट। और ये पाउडर रूम, जो कि आप सिटिंग के लिए आसानी से यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको लिए चलते हैं नीचे वाले पोर्शन के किचन में। बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ किचन को डिजाइन किया गया है। वुडवर्क आपके सामने है, बेहतरीन आला काम किया गया है। ये आप देख सकते हैं साइड गली के लिए रास्ता ओपन होता है। और किचन की आपको डायमेंशंस बताते चलें, 5.7 फीट बाई 5.9 फीट किचन की डायमेंशंस हैं। और ये जी किचन का फुल व्यू, नीचे टाइल वर्क और इसी तरीके से ऊपर सीलिंग डिजाइन। इसके बाद आपको किचन से लिए चलते हैं बाहर सिटिंग एरिया में। और फिर यहां से आपको लिए चलते हैं नीचे वाले पोर्शन के मास्टर बेडरूम में। ये जी नीचे वाले पोर्शन का बेडरूम है, खूबसूरत वॉल डिजाइन, बिल्कुल सामने विंडो, बाहर आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल ग्रास और टाइल्स के साथ खूबसूरत काम किया गया है। ये जी आपको बेडरूम दूसरी साइड से दिखाते चलें। ये जी अटैच वॉशरूम और इसी तरीके से ये जी विंडो। और इस बेडरूम की आपको डायमेंशन बताते चलें, 11.6 फीट बाई 12.6 फीट बेडरूम की डायमेंशन है।
और इसके बाद आपको लिए चलते हैं इस बेडरूम के अटैच वॉशरूम में, जो कि काफ़ी खूबसूरत अंदाज के साथ वॉशरूम को डिज़ाइन किया गया है। और वॉशरूम में जो टोटल एसेसरीज हैं वो आपको यहाँ पे पोटा की मिल जाती हैं। और ये जी आप वॉशरूम में देख सकते हैं बेसन एरिया, और इसी तरीके से ये जी ड्रेसिंग एरिया, और ये आपको बेसन एरिया दूसरी साइड से दिखाते चलें। जितने भी वॉशरूम्स हैं उनमें आपको शावर एरिया केबिन की सूरत में बिल्कुल सेपरेट मिल जाता है। वॉशरूम से आपको लिए चलते हैं बाहर बेडरूम में, और फिर आपको बेडरूम से लिए चलते हैं बाहर सिटिंग एरिया में, और यहां से आपको लिए चलते हैं ऊपर वाले पोर्शन में जहां पे आपको दो बेडरूम्स, टीवी लॉन्च और इसी तरीके से टेरेस एरिया मिल जाता है। ये जी ऊपर वाले पोर्शन में फ्रंट वाला बेडरूम, बिल्कुल सामने खूबसूरत वॉल डिजाइन, और इसी तरीके से ये जी बैक वाला बेडरूम, आपको दूसरी साइड से दिखाते चलें। ये बैक वाला बेडरूम बिल्कुल उसके साथ ही लॉन्ड्री के लिए जगह बनाई गई है, और बिल्कुल सामने ऊपर नीचे जाने के लिए सीढ़ियां, और ये जी फ्रंट वाला बेडरूम। और आपको लॉन्च की डायमेंशन बताते चलें, 20.6 फीट बाई 11.7 फीट इसकी डायमेंशन है। और ये जी लॉन्ड्री के लिए बेहतरीन यहाँ पे आपको जगह मिल जाती है। उसके बाद आपको लिए चलते हैं फ्रंट वाले बेडरूम में। ये जी बेडरूम में खूबसूरत वॉल डिजाइन, और इसी तरीके से विंडो, फ्रंट टेरेस, और ये इस साइड पे जी अटैच वॉशरूम इस बेडरूम के लिए। ये आपको बेडरूम दूसरी साइड से दिखाते चलें। इस बेडरूम में भी नीचे वुडन फ्लोर और इसी तरीके से ऊपर सीलिंग डिजाइन। बेडरूम की डायमेंशंस 15.0 फीट बाई 11.1 फीट इसकी डायमेंशंस हैं, जो कि मास्टर बेडरूम है। और ये आपको बेडरूम का फुल व्यू दिखाते चलें। इसी तरीके से ये जी बेडरूम में ऊपर सीलिंग डिजाइन। उसके बाद आपको इस बेडरूम के अटैच वॉशरूम में लिए चलते हैं। खूबसूरत अंदाज के साथ इस वॉशरूम को भी डिजाइन किया गया है। ये जी वॉशरूम में ड्रेसिंग एरिया, बेसन एरिया, उसी तरीके से ये इस साइड पे जी शावर एरिया जो केबिन की सूरत में बिल्कुल सेपरेट है। जैसा कि आपको बताया कि आपको तमाम तर वॉशरूम्स में शावर एरिया केबिन की सूरत में बिल्कुल सेपरेट मिल जाता है। और ये जी आपको वॉशरूम का फुल व्यू दिखाते चलें। और पूरे घर में A+ क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया है, क्वालिटी के ऊपर कोई कम्प्रोमाइज नहीं किया गया। आप आके मौके पर भी देख सकते हैं। वॉशरूम से जी आगे हम बाहर बेडरूम में, और बेडरूम से आपको लिए चलते हैं बाहर सिटिंग एरिया में, और यहां से आपको लिए चलते हैं ऊपर वाले पोर्शन के आखिरी बेडरूम में। 14 फीट बाई 11.6 फीट इसकी डायमेंशंस हैं, और इस घर की लोकेशन DHA Phase 9 Town लाहौर है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ पूरे घर को डिजाइन किया गया है, क्वालिटी आपने देखी है, कोई कम्प्रोमाइज नहीं किया गया। अब आके मौके पे भी देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको इस घर की प्राइस बताते चलें, 2,40,00,000 रुपए इस घर की डिमांड है। 2,40,00,000 इस घर की डिमांड है। आप दिए गए नंबर पर रابطہ कीजिएगा, आइएगा, विजिट कीजिएगा। ये जी इस बेडरूम का अटैच वॉशरूम है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं शावर एरिया को केबिन की सूरत में बिल्कुल सेपरेट रखा गया है। साइज के हिसाब से बात करते चलें तो तीनों वॉशरूम्स आपको काफी बड़े देखने को मिलते हैं। इस घर में टोटल 3 मास्टर बेडरूम्स हैं, 4 इसमें आपको वॉशरूम्स मिल जाते हैं, 1 किचन, 2 टीवी लॉन्च और इसी तरीके से गैराज एरिया आ जाता है। और हमेशा की तरह अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जिन हजरात के पास अपने जाती घर नहीं है, अल्लाह ताला रिज़्क़े हलाल से हम सबको अपनी जिंदगी में अपने जाती घर अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।